आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। हमें बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और Q के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इसके बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है और ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, तो पहले हम इनको कार्टेशियन में चेंज करेंगे। तो हमें P क्या गिवन है, P इज 3, 3π/6, तो हम इसे कैंसिल करेंगे 1/2 आ जाएगा, तो इसका मतलब P क्या बन गया 3π/2। और हमारा Q क्या गिवन है, Q इज -7 -π/3। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब ये r और थीटा हमें दिया हुआ है, ये इसका भी हमें r और थीटा दिया हुआ है, हमें कार्टेशियन में जाना है। तो जब हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स r कोमा थीटा होता है तो उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं r cos थीटा कोमा r sin थीटा, ये हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो p हमें क्या दिया है 3π/2, तो इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3cos π/2, 3sin π/2। और 3cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और sin पाई बाई टू की वैल्यू 1 होती है। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा P 3, 0 and 3 into 1 विच इज इक्वल्स टू 0, 3। तो हमारा P कितना आ गया 0, 3। अब हमें Q को चेंज करना है, तो हमारे पास Q क्या दिया हुआ है, Q इज -7 -π/3। जब हम इसको चेंज करेंगे ये बनेगा -7 cos -π/3 एंड -7 sin -π/3। तो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा और sin ऑफ माइनस थीटा इज -sin थीटा, तो वो हम यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ जाएगा Q, ये माइनस cos ऑफ माइनस थीटा पॉजिटिव हो जाते हैं, -7 cos π/3 हो जाएगा और ये नेगेटिव बाहर आके इसको प्लस बना देगा, +7 sin π/3 हो जाएगा। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, जब हम cos π/3 की वैल्यू पुट करेंगे वो होती है 1/2, तो Q हमारा आ जाएगा -7/2 और ये आ जाएगा 7√3/2, ये हमने sin π/3 की वैल्यू पुट की। तो हमारे पास cos और sin दोनों, P और Q दोनों की वैल्यूज आ गई कार्टेशियन में। अब हम इसमें डिस्टेंस निकालेंगे, तो P क्या आया है 0, 3 और Q क्या आया है -7/2, 7√3/2। अगर हम इसे x1 y1 लेते हैं, इसे x2 y2 लेते हैं, तो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, हमारा डिस्टेंस PQ आएगा अंडर रूट x2 - x1² + y2 - y1² ये होल अंडर रूट है। तो हम वैल्यूज पुट करें, हमारा x2 कितना है, हमारा x2 है -7/2 जाएगा -7/2 - x1 = 0² + 7√3/2 - 3² और हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा -7/2 - 0 = -7/2² + 7√3/2 - 3² अब हम इसमें होल स्क्वायर खोलेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 49/4 प्लस, इसे खोलेंगे ए स्क्वायर, मतलब 49 7² हो जाएगा, √3 3/4 प्लस बी स्क्वायर, मतलब 3² 9 -2 × 7√3/2 और √3, ये होल रूट है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 49/4 प्लस 147/4 + 9, 2 से 2 कैंसिल, तो दिस इज इक्वल्स टू 7√3/21 अंडर रूट 3। हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे,
हम एलसीएम लेंगे फर्स्ट थ्री टर्म्स का, जो आएगा 4, तो आएगा 49 प्लस 147 प्लस 36 माइनस 21 अंडर रूट 3। तो हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा किसके इक्वल आएगा, दिस इज इक्वल्स टू 232 बाय 4 माइनस 21 अंडर रूट 3। तो हम इसको कैंसिल करेंगे, ये हमारा 4 के टेबल पे कैंसिल होगा, सो दिस इज इक्वल्स टू 58 माइनस 21 रूट 3 यूनिट्स डिस्टेंस था। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।